दोस्तों सभी को बिहान बिहान, और मैं आ गया हूँ मुरुन का पेड़ नहीं महुआ का पेड़ महुआ उगरने के लिए। आज वैसे तो आज संडे है, लेकिन आज मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी जा रही है, तो आदमी लोग का कमी है दोस्तों, क्या करें। देख सकते हैं पीछे तरफ सूरज भी उग गया है, मैं इधर हूँ। ये देखिए यही मुरुन का पेड़, हम लोग क्या सोचे थे बिजनेस करेंगे बोल के, अब देखते हैं कितना गिरता है, बिछेंगे सुखाएंगे फिर दारू बनाएंगे और बिजनेस करेंगे। चलिए तब इस वीडियो को शुरू कर। दोस्तों आज संडे है और आज का वीडियो तो और फाड़ू होने वाला है, क्योंकि हर संडे कुछ अलग करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वाला काम करेंगे, और वो सब आप लोग देखिएगा इस वीडियो में। तो वीडियो में दिल थाम के बैठिए और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आगे और वीडियो बनाने का थोड़ा जज्बा प्राप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम का वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग का जो भी इंटरटेनमेंट है उसको थोड़ा 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 करके टेस्ट करते हैं। दोस्तों यही है महुआ का फूल, इसी से दारू बनता है, देख सकते हैं रसीला, अभी से रस चू रहा है, लेकिन इसको पहले सुखाना पड़ेगा, फिर इसको भाफना पड़ेगा, वही भाफाएगा उसमें से पानी का रस टपकेगा, वही वाला से दारू बड़ी चाव से लोग पीते हैं इसी को। महुआ तो अभी गिर रहा है, गिरेगा फिर बिछेंगे, उसके बाद और कहीं जाएंगे, तभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहते हैं, हम लोग जो उत्तम के साथ बिजनेस प्लान किए थे, सॉरी उधर काड़ा जा रहा है, मैं पहले खेद लेता हूँ। तो हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों, हम लोग जो बिजनेस प्लान किए थे उत्तम के साथ, वो हम लोग का फेल हो गया, आप लोगों को सुनाई दिया ना, फेल हो गया। हम लोग फुचका बना के, यानी कि पानी पूरी बना के बेचेंगे सोचे थे, चना बेचेंगे सोचे थे, अंडा भी बेचेंगे सोचे थे, बहुत कुछ सोचे थे, महुआ का दारू भी, लेकिन क्या करें, सब कुछ सामान खरीद के रखे हैं, लेकिन जब बनाने का टाइम आया तो मन ही नहीं किया, इसीलिए नहीं बना पाए, और हम लोग का जो बिजनेस प्लान था वो बंद हो गया। तो आप लोगों को और नहीं रखना चाहेंगे कि हम लोग कुछ बिजनेस कर रहे हैं, यही महुआ फिलहाल तो मैं महुआ उगर रहा हूँ, वो रांची जाएगा, उसका भी छुट्टी ख़त्म होने वाला है, तो देखेंगे अगला बार कुछ करेंगे, तो नहीं तो फिर आप लोग और हमारे मुलाकात तो होते ही रहेगा। तो चलिए महुआ उगरते हैं। हाँ ना करते हुए चर्च मैं आ ही गया, क्योंकि मम्मी नहीं आई तो मुझको आना पड़ा, मैं आ गया। फिर अभी आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने घड़ा फोड़ा था, तो वही घड़ा लोग को वापस ले जाना है जहाँ से लाए थे, तो अभी ले जाएंगे, हमारे साथ विभू जाएंगे, आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। विभू का नाम लेते ही विभू पहुँच गया, लगता है इसकी उम्र लंबी है, अभी इसके साथ घड़ा उड़ा ले जाएंगे। दोस्तों मैं और विभू आ गए सिस्टर लोग का छत में, देख सकते हैं विभू, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अभी घड़ा लेने के लिए आए हुए हैं, देखते हैं किधर रखा हुआ है, ऊपर में रखा है, अरे यार इधर रखा हुआ है, देख सकते हैं पीछे से घड़ा रखा हुआ है। आप लोगों को सिस्टर लोग का बिल्डिंग से अगर माँ का थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। यहाँ पे घड़ा तो सब सेम लग रहा है, पता नहीं अब कौन सा घड़ा को लाए थे, अब ब्लॉग बनाए थे वही वीडियो को देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। अरे इधर का नज़ारा कुछ ऐसे नहीं है, फादर सिस्टर लोग का तो ऐसे ही रहता है, कपड़ा सब सुखाने के लिए, और इधर स्कूल है बोला, इधर बारिश। चलो घड़ा तो निकाल लिए हैं, देख सकते हैं सातों के सातों मिल गया, लेकिन अब इसको लेगे तो लेगे कैसा, समझ नहीं आ रहा है, बनिया बुद्धि या नहीं छोड़िए ना, कुम्हार बुद्धि अपना ना होगा तो घड़ा बनाता है, पूरा गोटा लादना संग नहीं आ रही थी। दोस्तों मैं बस, वो तो विभू तो अगर मम्मी चल गया ना, तो मैं और विभू जो गोगरी था उसको उसका असली मालिक के पास पहुँचा लिए, फिर अभी मैं घर आया हूँ, खाना पीना खा लिया हूँ, फिलहाल तो नींबू के पेड़ जो आप लोगों को पिछला वीडियो मतलब बहुत पहले का वीडियो में दिखाया था कि नहीं फल रहा है, डेढ़ दिन हो गया, लेकिन ये फल गया है, दो चार ठो फल बड़ा बड़ा था उसको मैंने अभी तोड़ा, और बाकी छोटा छोटा है, लेकिन मेरे से एक गलती हो गया, डाल टूट तोड़े उड़े नहीं, लेकिन जगह से थोड़ा ई हो गया है, क्या बोले क्रैक हो गया, खींच रहे थे ऊपर का को तो डाल भी फंस गया,
तब इसको मैं जुगाड़ी कर रहा हूँ, लगाया हूँ ये, इसको इसको सपोर्टिंग के लिए फिर अभी इसको बांधूंगा, तब कुछ होगा तो होगा, देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर भी देखा जाएगा। मैंने इस टाइप का जुगाड़ी करके बांध दिया है, पता नहीं अभी क्या होता है क्या नहीं, वो तो देखा जाएगा। अब फल फ्रूट है, छोटा छोटा है, हुआ है। इधर देखिए मेरी नानी क्या कहेंगे बोलेंगे, बोल रही थी हालांकि कुछ नहीं, ये दही मन से क्या आए खाएँ, ये तोर बेटा मन हो देखो था, नाती मन देखो था, इन्हें देखनी जैसू कह दे, जैसू कर दे, जैसू कर दे नहीं, जैसू कर दे, जैसू कर दे, कर दे नहीं जैस। दोस्तों आज का संडे भी सूत उठ के ख़त्म हो रहा है, क्या बोले, मैच खेलने आज भी नहीं गए और मार्केट गए थे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाए क्योंकि बस मुझे ख़रीदना था, माँ भी नहीं थी तो घर में ही थे, कहीं नहीं गए थे। फिलहाल अभी मैं आया हूँ इस पेड़ का, कटहल पेड़ से कटहल तोड़ने के लिए आया हूँ, कटहल तोड़ने के लिए। कटहल का सब्जी बहुत स्वाद लगता है, कौन कौन खाए हैं आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जैक फ्रूट। तो मैं फ़िलहाल तो पेड़ चढ़ता हूँ और कटहल तोड़ता हूँ। दोस्तों ये देखिए कटहल, कटहल कटहल ये, लेकिन ये ख़राब हुआ है, इसको नहीं तोड़ेंगे, दूसरा को तोड़ेंगे, ये वाला, हाँ ये वाला सही है, इसी को तोड़ते हैं, अभी इसी को तोड़ना है। अरे टूट रही, टूट गया, छिटके गाद, इसका गाद पूरा चरका चरका है, कच्चा में भी मज़ा आता है चटनी उटनी पीसने में, लेकिन इसका जो है ना गदराल है बड़ी मस्त लगता है, ये गिरा दिए, चले तोड़ लेते हैं फिर आप सभी से। वैसे आप सभी को मेरा ये ब्लॉग, सॉरी मेरा जो बनाया हुआ ब्लॉग्स कैसे लगता है, आज आप सभी से प्रश्न पूछता हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि मैं कर रहा हूँ बेसब्री से आप सभी का जवाब का वेट में। तो मैं बोलना चाहूँगा आप लोग मेरा दिल को, बोले तो मेरा मन रखने के लिए झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइएगा, क्या अच्छा लगता है या बुरा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जैसे तैसे आज का दिन तो बीत गया, लेकिन मेरा डॉगी खो गया है, पता नहीं किधर चल गया है, आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा है, वो बुला रहे हैं तो। पता नहीं किधर चल गया, देखते हैं अगर मिलता है कहीं पे तो, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वैसे वो बीमार भी है, पता नहीं कुछ खा ही नहीं रहा है, खिला रहे हैं सब, खोजते हैं कुछ देर, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर अब भगवान के भरोसे। दोस्तों मेरा डॉगी आ गई देर देरी में, कहाँ गई थी बहुत देरी में, 7 बजे आसपास, देख सकते हैं पूरा अंधार हो गया, लाइट चल गई। हेलो दोस्तों, मॉर्निंग तो हो गया है लेकिन कैसे गुड मॉर्निंग बोले, क्योंकि आज सुबह से ही मेरे साथ बैड बैड हो रहा है, मेरा डॉगी छोड़ के हमको चल दिए, आपको दिखाए थे यही वीडियो में, अभी ये दिखाए हैं, कल रात में लेट से आई, बीमार हो रही थी, पता नहीं क्या जहर खाई थी, क्या दवाई सब दे रहे थे, खाना सब दे रहे थे लेकिन खा ही नहीं रही थी। फाइनली 2 दिन खाली पेट रहने के बाद, उल्टी सब करने के बाद, आज 3रा दिन सुबह में वो हम लोग को छोड़ के चल गए, क्या बोल सकते हैं, मेरा नसीब ही फूटल है, हमेशा मेरे साथ यही होता है, कोई डॉग अच्छा से जी ही नहीं पाता है, उसकी मम्मी जो है वो भी बाहर से आई थी इसलिए जीवित है, और जिसको मैंने पाला था उसकी मम्मी के साथ साथ वो लोग नहीं है। मेरा अपना कुत्ता लोग कभी नहीं रहता है, मेरा नसीब में नहीं है, क्या बोले किस्मत का खेल, चले उसको दफन कर देते हैं, यहाँ पे आके मर गई। दोस्तों आज पानी भी आया सुबह सुबह, उस टाइम तो ठीक थी देखे थे तो, लेकिन बाद में सुबह हुआ और निकल किधर मर गई पता नहीं चला। अभी हम लोग टुनटुन की मम्मी और जा रहे हैं इसको दफन करने के लिए, इसके भाई के पास ही इसको दफनाएंगे, माया दफना दे रहे हैं, बाय बाय टुनटुन, इसका भाई यहाँ पे था, मैंने दफन कर दिया है, हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया,
चले दोस्तों, ये वीडियो को भी यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।